عزیز بچوں، امرزادی، بڑے بڑے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کافی دیر سے آپ امامی حضرات مولانا کی زبانی نعتوں کو قبط خانی اور تقریر سماعت مار رہے تھے۔ آپ کی دیارِ محبت میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا اور مجھ سے پیش کر آپ شاعر اسلام بلے بابا مدینہ حافظ زیادہ بخشش حضرت شمیم جب سے اور اس سے پیش کر حضرت جوہر ہر سادری سے اور مولانا جنید اختر سے اور علامہ رحمت اللہ نوری جو الحمدللہ خطیب اور شاعر ان سے سماعت کر رہے تھے۔ میں بڑے بڑے پر علماء کرام تشریف فرما ہے حضرت قاری برکت اور قاری علی ندیم صاحب جو حضرت مولانا اصغر اور جامعہ مولانا حضرت مولانا ارشد قادری صاحب اور دیگر لوگ ممبر بڑے بیٹھے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاعری کا دور جو ہی ختم ہوا ہے یا کہ بات دیگر لوگ جا رہے ہیں، میں ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا چونکہ جانے والے لوگوں کو یہ روک نہیں سکتا۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ابھی تک جو آپ سن رہے تھے اسے نبی سنا کرتے تھے، صحابہ کی سنت تھی اور ابھی جو میں کر کے آیا ہوں وہ خود نبی کی کیا کہتے تھے۔ نبی کی میلاد آپ بیٹھے ہیں اور نبی جو کہتے وہی کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں کہے آپ کا خادم آیا ہے، آپ ذرا اسے بھی سن لیں۔ تقریر کرنا اور وعظ و نصیحت کی باتیں کرنا یہ پیارے آقا کی سنت ہے اور نعت نبی پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ابھی تک جو آپ کر رہے تھے وہ صحابہ کی سنت پہ عمل ہو رہا تھا، سماعت کر رہے تھے۔ ابھی جو میں کرنے آیا ہوں یہ نبی کی سنت ہے اور آپ اسے سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ جانے والے جو ہیں ان سے میں گزارش کروں گا میرے بھائی آئیے آستاؤ گے اور نام جلدی سے آ جاؤ۔ ممبر برین پر علماء کرام بیٹھے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ میں کوشش کرتا ہوں تاکہ بڑھ بڑھ نہیں۔ آپریٹر صاحب سنیے، بابو میں تیرے لیے بہت دور سے آیا ہوں، تم جا رہے ہو بیٹھیے، کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم بزم میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، کسی کو جلسہ کرنا ہوتا ہے
तो किसी नेता से 1 करोड़ का फंड ले लेता है, किसी को प्रोग्राम करना होता है तो सऊदीया से रियाल मंगवा लेता है, किसी को कुछ करना होता है तो अमेरिका से डॉलर मंगवा लेता है, किसी को कुछ करना होता है कुवैत से दीनार मंगवा लेता है। लेकिन सुन्नियों अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ, हम जो मिलाद मुस्तफा करते हैं लोगों के पेट में दर्द होता है, लेकिन हम बताना चाहते हैं हम जो मिलाद मुस्तफा करते हैं कहीं हमारे पास सऊदीया से रियाल नहीं आता, अमेरिका से डॉलर नहीं आते, कुवैत से दीनार नहीं आता, बल्कि लुधियाना और बंबई में जो गरीब मजदूर काम करते हैं अपना पेट काट कर सरकार के मिलाद। क्या आपकी मेहनत है, आप इसे कामयाब करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक शायर कहता है फर्श को छोड़िए, मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, शेर सुन लीजिए बड़ा कीमती शेर है, फर्श को छोड़िए पत्थर पे फिसल जाएगा, उसके चेहरे का हर एक रंग बदल जाएगा, जिसको सरकारे दो आलम से जरा नफरत हो पांव शबनम में भी रखेगा तो जज। जिसको सरकारे दो आलम से जरा नफरत हो, मान लीजिए जिसको सरकारे दो आलम से जरा नफरत हो पांव शबनम में भी रखेगा तो जल जाएगा। और सुनिए एक शायर कहता है तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में, सुन लीजिए शेर आप, इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और आप सुनेंगे महजूज होंगे इंशाल्लाह और आप झूमेंगे इंशाल्लाह अपना नबी की याद में। शायर कहता है कि तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया, तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया, और मैंने नबी को याद किया जब नमाज में तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया, याद किया जब नमाज में तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। और कायदे अहले सुन्नत नाशिरे मसलके आला हजरत रईसुल कलम रईसुल तहरीर हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतो व रिज़वान कहते हैं कि न हो दरदाज़े इश्क़े मुस्तफा की चांदनी दिल में गुलामे बावफा महशर में पहचाना न जाएगा, हबीबे किबरिया की अज़मतों से मुनहरिफ होकर ये दावाए मुसलमानी कभी माना न जाएगा। और सरकार आसी का वो शेर के या रसूलल्लाह न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर करम करे तो निशाने कदम हो पत्थर पर, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे नजर ठहरती नहीं आज से मुनव्वर पर, अखीर वक्त है आसी चलो मदीने को निशान हो के मरे तुरबते पैगंबर पर। सुभानअल्लाह, ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे खुदा की कसम उनको मौजूद पाया है सर को झुकाया सवेरे सवेरे। मैंने कहा कि माइक से मेरे गले की दोस्ती नहीं हो रही है लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती हो गई है, बोलिए अब से लेकिन झूठ के मैं क्यों पढ़ रहा हूँ किस वजह से पढ़ रहा हूँ मैं नहीं जानता।
आप सोच रहे होंगे इसकी वजह से पढ़ ना, हम पढ़ रहे हैं आराम करने के लिए, बड़ी थके हुए बोलिए नहीं। हकीकत बता दिया, मैं कहीं हकीकत बयान नहीं करता हूँ, बोलिए के गुफार का निजात कर ये देखा। क्या देखा और कीजिए, विलादत की सब खत्म होने न पाई के गुफार का निजात कर ये देखा, हजूर का निजात कर ये देखा। क्या के बुद्ध सारे काबा के औंधे पड़े हैं, हुआ हश्र पर पा सवे वाला, बुद्ध सारे काबा के औंधे पड़े हैं, हुआ हश्र पर पा सवे सवे। मुबारक होए जब मेरा टाइम खत्म हो जाए मुझे धीरे से इशारा कर दीजिएगा, वरना मेरा भी मामला ऐसा ही है जैसे उस बटन वाले खसीब का था। मैं बस इशारा करता हूँ, आप मुस्कराते रहे हैं और मुस्कराना ये मोमिनों की पहचान है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, ये रिवायत मैं सुना दूं, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, सुना दूं रिवायत। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, अल्लाह के जलील कद्र सहाबी, प्यारे सहाबी, निराले सहाबी, बदर सहाबी, बेहतर सहाबी, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा दो हजरत फारूक आजम का जमाना। आप लौटे हैं सफर से, अपने खादिम को कहते हैं पानी लाओ मुझे वजू करनी है। खादिम ने पानी बढ़ाया, आपने वजू फरमाया। वजू फरमाने के फौरन बाद खलीफतुल मुस्लिमीन के चेहरे पर मुस्कराहट है। गुलाम ने पूछ लिया, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों के शहंशाह, ऐ मुसलमानों के बादशाह, ऐ मुसलमानों के अमीर, आप वजू फरमाने के बाद मुस्करा रहे हैं जब किसी ने मुस्कराने वाली कोई बात भी ना की है, किसी ने हंसने वाली कोई बात भी ना की है, हंसने का कोई माहौल भी नहीं है, हंसने का कोई मकाम भी नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कराहट देख रहा हूँ। वजह क्या है, मामला क्या है? हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है, अदालत के ताजेदार है, अपने गुलाम से मुखातिब होते हैं और फरमाते हैं मेरे खादिम, ऐ मेरे गुलाम सुनो, एक दफा का मामला ऐसा गुजरा कि मेराज के सफर से आए थे, उन्होंने मुझसे फरमाया पानी लाओ मुझे वजू करनी है। मैंने मेराज के दूल्हा को पानी दिया, आप पानी लेकर वजू फरमाने लगे। जब आपने वजू फरमा लिया तो मैंने देखा प्यारे आका का वजू फरमा रहा है। चल चल बोलिए सुभान अल्लाह, प्यारे आका का वजू फरमा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है और कैफियत कुछ ऐसी थी कि जो मुस्कुराए चांद की कलियों में पड़ गई। लुल्लु शाह ने गुलिस्ता बना दिया, फारूक आजम अपने गुलाम से वो खातिब है। और कहते सुनो, आज जब मैं सफर से आया और मैंने तुमसे पानी मांगा के लाओ वजू करनी है, जब मैं वजू कर रहा था तब मैं आया वजू, मुझे मेरे महबूब
मिलाद उन नबी का तस्करा है। फिर आता हुआ बोले मचल के सुभान अल्लाह, मचल के बोले एक बार और सुभान अल्लाह। मैंने कहा है मिलाद उन नबी का इमाम सिर्फ नबियों ने नहीं, इंसानों ने नहीं, खुदा ने नहीं। अब कोई आपसे पूछ ले तुम्हारे मौलाना तो रात को बोल कर चले गए, कोई सबूत है क्या? आइए मैं पेश करता हूँ मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जमीन को पैदा करने से पहले, आसमान का शामियाना लगाने से पहले, इंसानों को वजूद बख्शने से पहले, आलम अरबा में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। आप जलसे में बैठे, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उलमाए किराम की तवज्जो चाहिए। बहुत ही कीमती बात मैं पेश कर रहा हूँ, आप इसे नोट करके ले जाना। किस तरह खुदा ने सरकार के मिलाद का एहतमाम किया। आलम अरबा में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, उसमें तमाम मोमिनीन की रूहें हैं, कुफार की रूहें हैं, मुशरिकीन की रूहें हैं, बल्कि तमाम नेक और बद सारे लोगों की रूहें हैं, अंबिया की रूहें हैं, सारे लोग मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को पैदा करने से पहले, दुनिया को पैदा करने से पहले आलम अरबा में सारे लोगों को जमा करता है। और कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह तमाम रूहों से पूछता है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबसे पहले प्यारे नबी की रूह ने कहा काला भला क्यों नहीं? मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले प्यारे नबी ने कहा क्यों नहीं? और प्यारे नबी की इब्तिदा करते हुए तमाम अरबाबों अरबाबों ने कहा क्यों नहीं? तू मेरा रब है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा राजिक है, तू मुझे पालने वाला है, तू मेरे मुझे रोजी देने वाला है, तू रिज़्क़ अता करने वाला है, तू जिंदगी देने वाला है, तू मौत अता करने वाला है, तू दौलत और सरवत अता करने वाला है। आलम अरबा में कॉन्फ्रेंस होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उलूहियत को बयान करता है, अपनी पाकी को बयान करता है, और खुद खुद के खुदा होने का लोगों से करार देता है। तमाम रूहों से खुदा पूछता है क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? जब सबने जवाब दे दिया कालू बला क्यों नहीं, तू मेरा रब है, तू मेरा मालिक है, तू हमारा खालिक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अब कहता है तो यहाँ जितने लोगों की रूहें हैं सब चले जाए, साक्षी और सिर्फ अंबिया की रूहें रह जाए। हजरत आदम को टुकड़ा, हजरत ईसा का टुकड़ा, हजरत दाऊद को जकरिया, यहया, सुलेमान और लूत को, शुएब और हारून, तुम रुक जाना और तमाम लोगों की जो आम है थी अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको भेज देता है। मैंने कहा मिलादुन नबी की, और मिलादुन नबी का मतलब होता है नबी के पैदाइश का तस्करा। और मैंने ये भी कहा कि नबी के पैदाइश का चर्चा, नबी के पैदाइश का तस्करा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। जरा गौर से सुन लेना, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पूरी बात अमल में नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको इकट्ठा करके आलम अरबा में पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या क्या लोग मुझे रब मानते हो? जब लोगों ने ये इकरार कर लिया कि मौला मैं तुम्हें रब मानता हूँ, तू मेरा दादा है, तू मेरा मालिक है, तो अल्लाह कहता है सुनो, अब यहाँ जो सिद्दीकीन है वो चले जाए, जो सालीन है वो चले जाए, जो मुबल्लिगीन है वो चले जाए, जो मुतर्रसीन है वो चले जाए। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही रुके जिनको नबूवत बनने वाली है, जिनको रिसाला बनने वाली है, जिन्हें इनाम और इकराम से नवाजा जाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम आम रूहों को भेज देता है। अब सिर्फ नबियों की रूहें हैं, सिर्फ रसूलों की रूहें हैं, और हजरत आदम से लेकर ईसा तक सब वो पेश, 23,999 जितने भी अंबिया या मुरसलीन थे सारे लोगों को अल्लाह मौजूद रखता है, सारे लोगों को अल्लाह रोके रखता है, बाकी लोगों को वापस भेजता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की अजमत पर खिताब करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की दीदार बयान करता है, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की तारीफ और तौसीफ करता है, और इस सरकार करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कहता है सुनो, आदा तुमने मुझे खुदा मान लिया? आदा कहते हैं हां मौला मैंने तुम्हें खुदा मान लिया। ईसा तुमने मुझे खुदा मान लिया? ईसा कहते हैं हां मौला मैंने तुम्हें खुदा मान लिया। दाऊद तुमने मुझे खुदा मान लिया? दाऊद कहते हैं हां मौला मैंने तुम्हें खुदा मान लिया। जकरिया या अय्या या सुलेमान तो शुएब और हारून तुमने मुझे खुदा माना? सबसे जवान होकर कहते मौला हां हां मैं तुम्हें खुदा मान लिया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है सुनो, जब मुझे खुदा मान लिया है
तो एक वादा और करते जाओ। बोलिए एक वादा और करते जाओ, एक बात और करनी है वो भी सुनते जाओ। सत्य आदम कहते हैं मौला बोल, वो वादा क्या है बता दे, वो वादा क्या है, वो बात कौन सी है। सत्य आदम मुंतजिर है कि अल्लाह कुछ फरमा, अल्लाह कुछ अभी कहेगा, अल्लाह अभी कुछ वादा लेने वाला है। ईसा मुंतजिर है, दाऊद ज़करिया यहया सुलेमान और लूत खुद मुंतजिर है। अब वहां अल्लाह पुलिस अपने महबूब की सदाएत यूरू की शाबाए यूनुशू की रहमत सारे अरबियों की जमात है, देर सवा लाख का मजमा है। और उस मजमे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करके कहता है, सुनो मुझे खुदा मान लिया है, तो एक बात और सुनो, ये जो है ना इनका नाम मोहम्मद है। बचल के बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी के रूह की तरफ, अल्लाह ने महबूब के रूह की तरफ इशारा करके कहता है, महबूब के नूर की तरफ इशारा करके कहता है, ऐ रूह सुनो, ऐ अंबिया की अरवाह सुनो, ऐ रसूलों की अरवाह सुनो, ये जो है ना, ये जो नूर है, ये मेरा महबूब है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये तुम सबके सरदार है। और आया अगर तुम मुझे खुदा मानते हो तो एक वादा करो, अगर मेरा महबूब तेरे जमाने में जाएगा तो तुम मेरे महबूब की पैरवी करोगे, तुम मेरे महबूब की लाला करोगे, तुम मेरे महबूब की दादा करोगे। ऐसा तुम वादा करो, ऐसा तुम वादा करो, ऐसा करिया क्या वादा करो, ऐसा क्या वादा करो, ऐसा वादा करो, हारू हारू वादा करो। तमाम बयान से अल्लाह ने वादा लिया, वादा करो कि मेरा महबूब तेरे दरमियान अगर अगर तेरे दरमियान चले जाए तो तुम इनकी पैरवी करना। अब बताइए तेरे दरमियान चले जाए, ये पैदाइश का चर्चा नहीं है, तेरे दरमियान जाए ये मिलाद नहीं है, ये पैदाइश का चर्चा नहीं है। लोग कहते मिलाद नया तरीका है, मैं यार खुदा ने कहा चले जाए, मतलब पैदाइश की बात हो रही है, मिलादुन नबी क्या है, नबी के पैदाइश का चर्चा। पता ये चला कि अगर जन्नत में नबी के पैदाइश की बात हो रही है तो जन्नत में मिलाद है, भटौड़िया में नबी के पैदाइश की बात हो रही है तो भटौड़िया में मिलाद है, मस्जिद नबवी में नबी के पैदाइश की बात हो रही है तो मस्जिद नबवी में मिलाद है, मस्जिद हराम में अगर नबी के पैदाइश की बात हो रही है तो मस्जिद हराम में मिलाद है, मस्जिद अक्सा में अगर नबी के पैदाइश की बात हो रही है तो मस्जिद अक्सा में मिलाद है। अगर किसी के दिल में नबी के पैदाइश का ख्याल आ रहा है तो उस बंदे के दिल में नबी सुभान अल्लाह मिलाद। अब अल्लाह ने कहा आदम वादा करो, मूसा वादा करो, दाऊद वादा करो, ज़करिया वादा करो, चूंकि मामला बात जब छिड़ गई है तो इसे नतीजे तक पहुंचा दी थी क्या, न तो आप कहेंगे वादा किए फिर हुआ क्या, इसे नतीजे तक पहुंचा दिया। तारी नदीन साहब क्या कहते हैं, टाइम कितना हुआ, समय एक घंटा बोल चुका हूँ, माशाल्लाह बोले मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं एक घंटा बोल गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन आप लोगों को पता चल गया होगा कि 11 बजे नहीं पता चला, कोई आदमी घड़ी नहीं देखे, अब 11 से घबराइएगा नहीं, हम 11वीं वाले हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम 11 भी बजा सकते हैं चूंकि हम 11वीं वाले हैं, और हम 12 भी बजा सकते हैं चूंकि हम 12वीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भी बजा सकते हैं चूंकि मेरा खुदा एक है सुभान अल्लाह, हम 2 भी बजा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले ना बच्चे किस किस सुभान अल्लाह। तीन की वजह से है चूंकि तीन की आदत सुन्नत से इसकी निस्बत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।